आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबका चल रहा था, उसी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के 140 तक। ठीक है, त्रिकोणमिति के ये 10 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 131वें प्रश्न से हम सब शुरुआत करते हैं। 131वें प्रश्न क्या बोलता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, 5 cos थीटा बराबर 3 है, क्या दिया हुआ है, 5 cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, गुना, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है b / h। ठीक है, याद रखेंगे आधार बटे कर्ण, इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। हम सबको अब जब आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो हम सबको क्या निकालना है, पी। तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का क्या है 5, बी का क्या है 3। ठीक है, 5 गुना 5 करेंगे 25, और 3 गुना 3 करेंगे 9, 16 हो गया। तो पी स्क्वायर बराबर 16, पी बराबर क्या हो गया, रूट 16, और रूट 16 का कितना निकलता है 4। ठीक है, लेकिन 4 यहाँ आंसर में नहीं लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे आइए, 3 tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है पी बाय बी। अब इसे देखिए, पी का मान क्या है, पी का मान है 4, और बी का मान क्या है, बी का मान है बी का 3। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया, 4। चलिए बाय चांस आंसर 4 आ गया, लेकिन ऐसे में गलती होने की संभावना है। फिलहाल 131 का आंसर है सी, सी का क्या हो गया 4। ठीक है, तो 131 का हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 132वें प्रश्न की ओर, 132वां प्रश्न की ओर, जल्दी से उसे नोट डाउन कर लें आप सब। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, 132वां प्रश्न आप सबके लिए क्या है, यदि cos होगा यहां पे, ठीक है, cos a बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। ठीक है, तो cos a बराबर दिया गया, cos ही होगा शायद, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, एक मिनट वेट करेंगे आप सब, cos ये, ठीक है, तो cos a बराबर 1/2, तो क्या दिया हुआ है, cos a बराबर 1/2, cos थीटा बराबर फिर से बताएंगे b बाय h होता है, हम सबको p निकालना है, तो p स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, h का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे होगा 4, और 4 में 1 गया 3। ठीक है, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3, तो p बराबर क्या हो गया रूट 3। हमको क्या निकालना है, 1 - 2 cos स्क्वायर a, 1 - 2 cos स्क्वायर a, ठीक है, 2 cos स्क्वायर, इतना निकालने की आवश्यकता थी भी नहीं, हमको लगता है p का कोई काम भी नहीं होगा। चलिए फिलहाल उसे छोड़ते हैं, cos a का वैल्यू कितना है, तो cos थीटा का, cos a का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ था 1/2, बेकार का उसको मैं लिख दिया, p निकाल दिया, p आप नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। ठीक है, इस पार्ट को आप स्किप कर दें, सही है, मतलब इसको आपको करना नहीं, क्योंकि cos a का वैल्यू डायरेक्ट 1/2 दिया गया है, तो क्यों मैं फालतू का दिमाग लगाऊं, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 2 से ये कट गया दो बार में, तो 1/2 हो गया, एलसीएम 2 होगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2 होगा। क्या 1/2 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पी निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप इसे ऊपर नोट डाउन कर लें, और ये नीचे वाला नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखिए कॉस ए का तो वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ था 1/2, तो इस कॉस ए के जगह पे 1/2 बैठा दिए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, तो 1/2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सब बढ़ेंगे 133वें प्रश्न की ओर, जल्दी से इसे आप सब नोट डाउन कर लें। 133वां प्रश्न देखते हैं अब हम सब, क्या बोलता है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, किस स्थिति में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो जब साइन 45 लेंगे, थीटा का मान कितना लेंगे 45, क्यों होगा, क्योंकि जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है, आप टेबल में जाकर देख सकते। ठीक है, तो 133 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 134वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, अब ये आपको फॉर्मूला याद होगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 134 का आंसर
चलिए 135वां प्रश्न देखते हैं। 135वां प्रश्न देखते हैं, क्या बोलता है, यदि यदि थीटा बराबर क्या है 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा, मान होगा, ठीक है। तो 2 cos 2 गुना थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो 2 cos 30 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 60। cos 60 का अगर आप वैल्यू लेंगे तो 1/2 होता है, और 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1। एक ऑप्शन में है, 135 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 135 का आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, उसके बाद में 136 से लेकर के 140 नंबर क्वेश्चन तक आप सबके लिए लगाता हूं, ठीक है। इसे जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। चलिए 136वें प्रश्न से देखते हैं, ठीक है। तो 136वां प्रश्न क्या बोलता है, कॉस पाई बटे 3 का मान होगा, जबकि यहाँ पाई का मान 22/7 ऐसे होता है, पर यहाँ आपका दिया हुआ है पाई का वैल्यू 180, तो क्या दिया गया है कॉस पाई बटे 3, ठीक है। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या हो गया 180/3, इसको जब आप कटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 का वैल्यू आप सबको पता होगा 1/2 होता है, तो इस cos 60 का मान क्या हो गया 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो 136 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 137वां प्रश्न देखते हैं, क्या है, sin²18 + sin²72 का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, sin²18 + sin²72, ठीक है। तो sin²90 में कितना घटाएंगे जो 18 होगा, तो 72 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, बाकी इसे उतार दें, इस वाले को उतार दिए, sin 90 में कितना घटाएंगे 72 घटाएंगे तो 18 होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 - θ बराबर होता है cos θ, तो cos²θ के स्थान पे कितना है 72, तो cos²72 × sin²72, तो एक और फॉर्मूला आप याद कर लें, cos²θ + sin²θ बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो एक ऑप्शन में है, 137 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 137 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 138वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट आप वेट करेंगे, ठीक है। चलिए 138वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं। तो 138वां प्रश्न बहुत इजी है, ठीक है। क्या है, sin²22 + cos²22 का मान डैश होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आप एक फॉर्मूला याद कर लें, sin θ + cos²θ बराबर क्या होता है 1 होता है, तो उसी प्रकार अगर आप इसके स्थान पर लिख दें sin²22 + cos²22 तो बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी 138 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 139वां देखेंगे, उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सवाल बनेगा, ठीक है, थोड़ा लंबाई में बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम सब 139वां प्रश्न देखते हैं और 140वां, ठीक है। तो 2 2 10 30, 2 10 30, और बटे क्या है 1 - 10²30, ठीक है, बराबर दिया गया है कि 10 क्या होगा, ठीक है, 10 क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, सिंपल सा बात जान लें, 10 30 का वैल्यू 1/√3, और इस पे अगर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, 2 × 1 = 2, तो 2/√3, ठीक है, 1 × 1 = 1, स्क्वायर से रूट कट गया, सिर्फ क्या बच गया 3 बच गया। आगे बढ़ते हैं, 2/√3, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और 3 × 1 = 3 तो हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, 2/√3, और ये बटे, चलिए ये बटे दे दिया, और 3 में 1 गया, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे होगा 2/√3, और इस बटे के बदले में अगर हम गुना देंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, ये दोनों समाप्त हो गया, बचा क्या 3/√3। आगे बढ़ते हैं, 3/√3 √3 और √3, ठीक है, हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण मतलब जो रूट में है उसे आप ऊपर लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ठीक है, गुना में। तो 3 × √3 क्या हो गया 3√3 हो गया, √3 × √3 सिर्फ हो जाएगा 3, ये दोनों कट गया तो बचा क्या √3 बचा, और √3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3। चलिए अगला और आखिरी सवाल देखते हैं इस वीडियो का, जो कि 140वां प्रश्न
सेम तर्ज पे है, यहां माइनस था यहां प्लस था, तो आप सब इसे खुद भी बना सकते हैं, पर मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। लास्ट में थोड़ा सा हर का परिमेयकरण करने में आप सबको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो 140वां प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या है, 2 10 30 और बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 गुना 10 30 का वैल्यू क्या है, 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। 1 प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√3 और इस पे कर दें स्क्वायर, ठीक है, क्या कर देंगे स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 2 गुना 1 करेंगे 2 2/√3, 1 गुना 1 करेंगे 1, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कट गया, सिर्फ बचा 3। आगे बढ़ते हैं, 2/√3, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2/√3, फिर यहाँ पे बटे दे 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2/√3 गुना 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, 2 से 4 को कटा दें, 2 से 4 को कटा दिए तो 2 बार में हुआ, ऊपर क्या बच गया 3 और 2 गुना √3 करेंगे क्या होगा 2√3। चलिए इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, तो √3 जेल में है, ऊपर √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना, तो 3/√3, बाकी √3 गुना √3 करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, ये दोनों कट गया तो हुआ क्या √3/2, और √3/2 किसका होता है मान, तो साइन 60 का होता है, इसलिए 140 का आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो में भी हम सब 10 क्वेश्चन देख लिए त्रिकोणमिति के, 131 से लेकर 140 तक, तो अभी तक हम सब 100 से लेकर के 140 तक त्रिकोणमिति के हल प्रश्न देखे हैं। अब जो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 20 क्वेश्चन का वीडियो होगा, और उसमें हम सब फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मैं फॉर्मूला याद करवा दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम सब 141वें क्वेश्चन से लेकर के 160 क्वेश्चन तक जो त्रिकोणमिति के ही प्रश्न होंगे उसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन ना होने के उसमें 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी कर लेंगे उसे याद और आसानी से आप फॉर्मूला वाला जवाब दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।